गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन DIY लेकर के आई हूं। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का DIY आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुलायम, बिल्कुल चमकदार बना देगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा DIY है और आज के DIY से आपके बालों में एक अलग सी शाइन आएगी। आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंडीशनिंग करेगा और साथ के साथ ही अगर आपके बालों से टूटने झड़ने की समस्याएँ हैं तो उसको ये जड़ से ख़त्म करेगा। बहुत ही बेहतरीन DIY है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर आपके बाल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर DIY। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज का मैजिकल DIY बनाने के लिए आपको सामान भी मैजिकल ही चाहिए होगा। तो एलोवेरा से मैजिकल चीज कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। बालों से रिलेटेड हर एक समस्या को जो है एलोवेरा दूर करता है, आपके बालों को शाइन करता है, आपके बालों को बहुत ही बढ़िया नरिशमेंट देता है, ग्रोथ कराता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा का क्या करना है, एक टहनी लेना है, फ्रेश टहनी आपको आपके गार्डन में जरूर मिलेगा अगर आप लगाते होंगे तो। बहुत सारे लोगों को एलोवेरा के फायदे नहीं पता होते हैं इसलिए वेस्ट लगता है वो, लेकिन इसके बहुत फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए। तो एक टहनी आप अपने गार्डन से तोड़ करके काट करके लेके आए। सबसे पहले उसको क्या करें, इस तरीके से उसका कांटे वाला पार्ट को काट करके हटा दे और जो पीला वाला, जो आप जब काटते हैं तो वहाँ पीला पीला हो जाता है, उसको वॉश कर ले। उससे क्या होता है, इचिंग होता है हमारे बालों पर, स्किन पे। और उसके बाद इसका पल्प निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाकू की मदद से इसके ऊपर वाले पार्ट को जो है इस तरीके से पील कर लेना है। ऊपर का जो स्किन है उसको निकाल लेना है और उसके बाद जो है इसको आपको इसका पल्प निकालना है। इसका पल्प निकाल के दोस्तों आप इसको जूस बना करके फ्रिज में स्टोर करके एक सप्ताह तक रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बिल्कुल चम्मच की मदद से सारे पल्प आसानी से निकलता है और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा हाथ भी गंदा हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें चिपचिपाहट होती है। तो चिपचिपाहट होती है लेकिन इसके फायदे बहुत है इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सभी पल्प जो है एक टहनी के निकाल लिए हैं एक बार के यूज़ करने के लिए। अगर आपको बार बार यूज़ करना है और बार बार आप चाहते नहीं कि आपके हाथ गंदा हो तो एक सप्ताह तक आप जो है DIY बनाने के लिए इस तरीके से पल्प निकाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास मिक्सी जार है, मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करके बहुत ही बढ़िया जो है ना, बिल्कुल बहुत फाइन वाला जो है जूस बन जाता है, वो रख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर मेरे पास ये हैंड चॉपर है, हैंड चॉपर तो मैं हमेशा अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ। हैंड चॉपर में इस तरीके से डाल करके आपको इसको अच्छे से जो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लसलसाहट चिपचिपाहट होता है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अच्छे से उसको क्रश करना पड़ेगा, उसको चॉप करना पड़ेगा, मतलब जूस के जैसा फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आप किसी तरीके से उसको बना लीजिए, चाहे आप मिक्सी में पीस लीजिए या फिर हाथों की मदद से कर लीजिए या फिर इस तरह से चॉपर की मदद से कर लीजिए। तो किसी भी चीज़ से मदद से आपको बहुत ही बढ़िया इसको जूस फॉर्म में बना। और दूसरा सामग्री दोस्तों हम लेंगे, ये हमारा है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। इसको आपको इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मार्केट में, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के खरीद सकते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे आधा चम्मच से एक चम्मच रख रहा है, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। थोड़ा स्टिकी होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो पतला नहीं होता है, इसलिए ये ले ले। और उसका तीसरा सामग्री हम लेंगे, ये हमारा है ऑलिव ऑयल। इसकी जगह पर आप कोई भी नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास बढ़िया हर्बल ऑयल है वो अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमने एक चम्मच अपने बालों की लंबाई के हिसाब से ले लिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने तीन सामग्री से जो है बहुत ही बढ़िया हमारा आज का DIY बनाया है। एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस है, उसके साथ ही आपको लेना है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, और तीसरा सामग्री हमने लिया हुआ है ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पे नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं, आंवले का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के तीनों तेल बढ़िया है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से आपके बालों पे इसको लगाना है। अब बालों में आपको जड़ों के साथ साथ पूरे बालों पे लगाना है। तो पहले क्या करें, जड़ों में लगाना है। तो जड़ों में लगाने के लिए पूरे पूरे बालों को अच्छे से पार्टीशन कर लें, पार्टीशन करके और सबसे पहले जड़ों में इसको अच्छे से लगाएं, क्योंकि अगर आपके बालों की लेंथ जितनी है उसी हिसाब से आपको पता होगा कि DIY बनाना है कितना क्वान्टिटी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जड़ों में लगाएंगे, थोड़ा सा स्टिकी है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जड़ों में इसको पार्टीशन करते हुए आपको अच्छे से लगा लेना है
और जड़ों में लगाने के साथ ही दोस्तों आपको इसको सिरों पे लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये पूरे बालों को कंडीशनिंग करेगा। तो आपके अगर दोमेंहे बाल है, बेजान है, बेरुखे बाल है, तो सिरों पे भी सबसे ज़्यादा दोमेंहे बाल, बेजान बाल होते हैं, उसको लगाएं और इसको रख करके अच्छे से आपको मसाज देना है, और उसके बाद धो लेना है, साफ़ कर लेना है शैम्पू से। पहली बार के इस्तेमाल से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मुलायम, घने दिखेंगे दोस्तों, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा DIY है, आप इसको वीक में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए, और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का ये मैजिकल हेयर DIY, बताइए ज़रूर कमेंट्स करके। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और भी बहुत सारे DIY है, मैजिकल हेयर ऑयल सबका भी है, आप ज़रूर देखिए। तो आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में, नई रेसिपी, नए DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।